औद्योगिक क्षेत्र बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ अब औद्योगिक हब की बजाय अपराधों की नगरी के नाम से जाना जाने लगा है। यहाँ पर चोरी, हत्या, डकैती की घटनाएं आम बात हो गई हैं। ऐसा ही मामला नालागढ़ के जगातखाना में स्थापित दवा उद्योग में लाखों के स्पेयर पार्ट चोरी होने का मामला सामने आया है। देर रात जगातखाना में स्थापित दवा उद्योग में लाखों के स्पेयर पार्ट की चोरी कर चोर रफू चक्कर हो गए और पुलिस के सुरक्षा के दावे खोखले साबित हुए। ये चोर कंपनी का दरवाजा तोड़कर आए। उन्होंने अपने चेहरे कपड़े से ढके हुए थे। जैसे ही कंपनी के सिक्योरिटी गार्ड को पता चला तो उसने तुरंत कंपनी के मैनेजर को सूचना दी और पूरी घटना की जानकारी दी। जानकारी मिलते ही मैनेजर कंपनी में पहुंचा और कंपनी का निरीक्षण किया। उसी दौरान उन्होंने देखा कि कंपनी के मशीनरी के पार्ट चोरी हो चुके हैं। उन्होंने तुरंत इसकी सूचना थाना नालागढ़ को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का जायजा लिया। कंपनी प्रबंधक ने बताया कि चोरी लगभग 22 लाख रुपए की हुई है। इस चोरी के मामले में जब हमने पुलिस अधिकारी से बात करनी चाही तो अधिकारी कैमरे पर आने से टाल मटोल करते रहे। सर, मुझे सुबह एक फोन आया, कुछ 4 बजे 10-15 मिनट रहते थे, राजन जी हमारे जीएम है, मैं पुराने हूँ यहाँ, उनका फोन आया कि यहाँ सिक्योरिटी वाले का मुझे फोन आया कि वहाँ चोरी होगी। फिर मैंने सिक्योरिटी वाले को फोन किया तो फोन करके फिर उन्होंने बोला कि दरवाजा जो पीछे का टूटा हुआ है, और मैं फिर उसी टाइम वहाँ से चंडीगढ़ रहता हूँ, फिर मैं चंडीगढ़ से चल पड़ा और तकरीबन मैं 6:45 के करीब यहाँ पहुँच गया था। फिर अंदर आके देखा, एक तो दरवाजा पीछे सब जो दरवाजा वो टूटा हुआ था, अंदर और भी दरवाजे तोड़े हुए थे और काफ़ी पार्ट जो हमारे मशीनरी पार्ट होते हैं सर, वो एल्युमिनियम के होते हैं, जैसे कि अलग अलग टैलर के साइज से वो ज़्यादा उठे हुए थे। नुकसान सर एस्टीमेट 20-22 लाख का तो होगा, क्योंकि ये पार्ट्स हैं ना सर काफी महंगे होते हैं, जैसे 2 लाख का कोई 1.5 लाख का, वो तो वही जा रहे हैं। ऊपर भी आए हैं, 2 मंजिली है फैक्ट्री हमारी, ऊपर भी आए हैं, नीचे भी आए हैं, तो सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं, उनमें भी चेक किया, पुलिस वालों को भी चेक करा दिया, वहां दिख भी गए बंदे के जो मुंह बांधे हुए हैं उससे कपड़े से और अपना सामान लेके जा रहे हैं। हिमाचल एक्सप्रेस के लिए नालागढ़ से सुरेंद्र सिंह सोनी की रिपोर्ट।